deux points d'espace pour nous observer. On s'en est qui part. Ici, si on a tant de temps, il y a un moment où il y a un moment où il y a un और द्वार में खोजता है, मथुरा में खोजता है, काशी कांची में खोजता है, बगुए कपड़ों में खोजता है, भिक्षा पात्र लिए हुए खोजता है, या एकदम चरस पीने वाला और बम बम बोलने वाले को गुरु मान लेते हैं। मैं तो गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो उसके अंदर जो कुछ है उसको गुरु कहते हैं। और दूसरी बात, मार्कंडेय ने बहुत प्रत्येक की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि एक गुरु दूसरा गुरु बन ही नहीं सकता, संभव नहीं है, इसलिए कि प्रत्येक गुरु अपने आप में अलग अलग है। अगर एक ही चीज है तो फिर गुरु बनने की जरूरत नहीं, गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। महावीर बने तो फिर बुद्ध महावीर जैसे नहीं बन सके, बुद्ध बिल्कुल एक अलग चीज बने, महावीर बिल्कुल एक अलग चीज बने, वशिष्ठ बिल्कुल एक अलग चीज बने, मार्कंडेय बिल्कुल एक अलग चीज बने। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्कंडेय जैसा वशिष्ठ बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसा वशिष्ठ बना उसी प्रकार से विश्वामित्र बन जाए, या गर्ग बन जाए, या त्रि बन जाए, या कणाद बन जाए, या बुद्ध बन जाए, या महावीर बन जाए। वो बन जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं। प्रत्येक गुरु अपने आप में जो उस इकाई का दूसरे इकाई से संबंध नहीं जोड़ सकते। यदि हम महावीर स्वामी के उपदेशों को पढ़े, उस जमाने में उस समय में महावीर स्वामी को उपदेश मिलेंगे, आज के जीवन में वो लागू नहीं हो सकते, आज के जीवन में उनके उपदेश हमारे काम के नहीं हो सकते। उस जमाने में बुद्ध ने जो कुछ कहा वो सही हो सकता है, उस जमाने में जो कृष्ण ने गीता में लिख दिया वो सही हो सकता है, उस जमाने में कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया वो उस जमाने की कितनी सही बात हो सकती है, आज रुक्मिणी का हरण नहीं कर सकता, आज हरण करेगा जेल में चला जाएगा। उस जमाने की व्यवस्था अलग थी, इस जमाने की व्यवस्था अलग है। उस जमाने का गुरु आज के जीवन में काम नहीं आ सकता, इसलिए उस जमाने के लिखे हुए धर्मशास्त्र हमारे काम नहीं आ सकते। उनका कंसेप्ट उनका था, उनका चिंतन था, उनका विचार था। गुरु तो अपने आप में बिल्कुल एक नवीन उजागर तत्व होता है, जो अपने आप में संपूर्ण होता है, उसके जैसा दूसरे व्यक्ति में पहले पैदा हुआ न बाद में पैदा होगा। और जब हम उन गुरु ने उन धर्मशास्त्रों को निचोड़ते हैं, अंदर डालते हैं, तो ये हमारी स्थूल दृष्टि है, क्योंकि हम तो ये गुरु हमें गीता का उपदेश दीजिए, आप हमें महाभारत की बात बताइए, आप हमें ऋग्वेद की बात बताइए, बहुत ठीक उसी परंपरा को लकीर से पीटने वाली बात होगी। गुरु वो बात कहेगा नहीं, गुरु तो पहले आपको समाप्त करने की कोशिश करेगा। सन्यास जीवन में जब दीक्षा दी जाती है, सन्यासी जब एक गुरु सन्यासी होता है, सन्यास का मतलब है कि हम नष्ट हो जाएं, छोड़ दें, वृत्ति के भाव लगा दें, अपने आप में तटस्थ होकर देखने की क्रिया कर लें। आप व्यस्त में रहते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं, सन्यास होने के लिए कोई जंगल में जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है। आप देखने की दृष्टि बिल्कुल एक अलग ढंग से बन जाए, अलग ढंग से देखें किसी चीज को, तटस्थ भाव से देखने की क्रिया भी है। व्यक्ति दो तरीकों से देख सकता है, तीसरी दृष्टि उसके पास होती नहीं, या तो वह तृष्णाओं के साथ देखेगा, इच्छाओं के साथ देखेगा, या बिल्कुल व्यक्ति के भाव से देखेगा। मगर तृष्णाओं से व्यक्ति भाव में पहुंचने की बहुत लंबी क्रिया है, वह तृष्णा मूलाधार है, क्योंकि मूलाधार बहुत नीचे की चीज है, काम वासना है, वो अपने आप में एक जड़ है, स्थूल है, वो अपने आप में कोई जीवन की चेतना नहीं है, काम वासना जीवन की ऊर्जा रेता नहीं है, वो अपने जीवन का प्रमाण नहीं है, वो एक छोर है जो आपके पास है, एक स्थूल दृष्टि है जो आपके पास है, और वह काम वासना से युक्त शिष्य उस गुरु के जो सहसा तक पहुंचा हुआ है देख नहीं सकता, क्योंकि बीच में छह चक्र और है। आपने उन चक्रों को पार किया नहीं, आप उस सहसार को देख नहीं सकते। शिष्य कैसे देखेगा गुरु को? गुरु तो सहसार पर खड़ा है, और जब आपको सहसार की दृष्टि नहीं है, जब आपके मणिपुर चक्र की दृष्टि नहीं है, जब आपको स्वाधिष्ठान चक्र की दृष्टि नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से गुरु को देखेंगे? आपको देखने की कसौटी क्या होगी? क्योंकि आप तो मूलाधार पर है, आप तो बिल्कुल उस जगह पर है जहां अपने आप में काम वासना का प्रारंभ होता है। एक अमेरिका में व्यक्ति हुआ गैरी पेवर्स, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति इस दृष्टि से कि उसने एक नया प्रयोग किया। उसने कहा कि त्राटक के माध्यम से, अपनी आंख की शक्ति के माध्यम से किसी चीज को सरकाई जा सकती है, पेंडुलम को रोका जा सकता है, घड़ी की सुई को रोका जा सकता है। उसने ऐसा प्रयोग टेलीविजन पर सैकड़ों बार करके दिखाया, प्रयोग आप भी कर सकते हैं।
इस प्रयोग में कोई अजूबी बात नहीं थी। यदि आप एक स्थिर चित्त से किसी क्षण को देख लें, यदि आपके सामने एक चम्मच रखा हुआ है फर्श पर, और यदि आप बिल्कुल एक दृष्टि से उस चम्मच को देखते हुए इस भावना को कहें कि चम्मच घूमना चाहिए, चम्मच हटे तो नहीं, चम्मच उड़ के भी नहीं जाएगा, मगर आपकी आंख की ताकत में उतनी हो कि वो चम्मच हिल जाए, इधर उसका मुंह है तो उधर हो जाए, और आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी आंख में वो ताकत है, मगर आपकी आंख की ताकत अपने आप में शून्य है, इसलिए शून्य है। उसने जब टेलीविजन पर प्रयोग दिया और उसने अपनी बात को कही, आज से 20 साल पहले की बात है, कोई अजूबा बात नहीं, पुरानी बात नहीं, 100 साल पहले की बात नहीं है, और उसने टेलीविजन पर कहा कि जो दर्शक हैं, जो टेलीविजन देख रहे हैं, वे भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके इस प्रयोग को करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मेरे प्रवस्त ने ऐसी बात कही, और दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1500 व्यक्तियों ने उस प्रयोग को करके सिद्ध करके दिखा दिया, मगर 1500 व्यक्ति कौन थे? वे केवल 14 साल से 18 साल की आयु के बालक थे, बड़ा एक भी नहीं था, केवल उस उम्र के लोगों ने, उन लड़कों ने किया और वे सफल हुए। 30 साल का आदमी सफल नहीं हो पाया, 40 साल का आदमी सफल नहीं हो पाया, 70 साल का आदमी सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हो पाया? इसलिए कि उस समय 14 साल से 18 साल के बीच में उसकी काम वासना अपने आप में जो पावर है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो अपने आप में पूर्ण विस्फोटक थी। और बाद में उस मूलाधार से जब विस्फोटक शक्ति क्षीण होने लग जाती है तो सारा शरीर अपने आप में क्षीण होने लग जाता है, उसकी दृष्टि स्थूल हो जाती है, उस दृष्टि में ताकत नहीं रह पाती। इसलिए आपकी दृष्टि में ताकत नहीं है, क्योंकि आपको अपने चिंतन का ध्यान नहीं है, उस मूलाधार के शरीर की बिंदु का ध्यान नहीं है, आपकी आंखों में तेज आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर की सारी चेतना, सारी गर्मी, सारी हीट प्रभाव उन बालकों में उछल नहीं था, उन बालकों में झूठ भी नहीं था, उन बालकों में कपट की बात नहीं थी, उन बालकों में किसी प्रकार का गोत्र का भाव नहीं था, उन बालकों में संकल्प शक्ति थी, कैसा हो सकता है? और आपके अंदर संकल्प शक्ति है ही नहीं, इसलिए कि टेलीविजन में दिखाया है, अब कोशिश कर लेते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप सीधा एक ही बात है, सीधा आप मेरे पास आए, गुरु जी के पास जाते हैं, सिद्धि मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कोशिश तो कर ही लेते, भावना में ही लेके आते हैं। और 14 साल का बालक ऐसा सोचेगा नहीं, 18 साल के बालक या 14 साल का बालक या बालिका एक संकल्प, एक चिंतन, एक विचारधारा लेकर आएगा, उस मन में संकल्प शक्ति होगी। और जब यह संकल्प शक्ति, मुझे जो कहा तुमने मना से वो संकल्प मस्तु, जब मन की संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाए, चिंतन मजबूत हो जाए, तब हम ऊंट ऊंचे उठने की ओर, ऊर्ध्व रेता बनने की ओर प्रवृत्ति, ऊंचे उठने की ओर, ऊर्ध्व रेता बनने की ओर प्रवृत्ति करती है। यह ऊंचा उठने की जो प्रवृत्ति आदमी के अंदर पैदा होती है, तब उसको गुरु की पहचान प्रारंभ होती है, तब उसको एहसास होने लग जाता है कि यह गुरु है, तब उसको गुरु एक अलग ढंग से दिखाई देने लग जाता है, सूर दृष्टि से नहीं, फिर उसका हाथ लंबा है, छोटा है, आंख टेढ़ी है, सीधी है, बाल कम है, ज्यादा है, ये गौण हो जाते हैं, गुरु के ये कसौटी है ही नहीं, गुरु को पहचानने की ताकत नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी कोई बहुत सुंदर नहीं थे, बुद्ध भगवान बहुत सुंदर नहीं थे, वे तो उतने ही सामान्य आदमी थे, मगर उनके पास जो शिष्य थे, उनके पास जो चेतना थी, उनके पास जो विचारधारा थी, वो उस समय थी। आज के युग में वे शिष्य आज के युग में काम आ भी नहीं सकते। आज यदि बुद्ध धर्म को वापस उजागर किया जाए तो बुद्ध धर्म प्रस्फुटित नहीं हो सकेगा। महावीर स्वामी का मग्न रहना चाहिए, वह उसकी मजबूरी थी, वह उसकी आवश्यकता थी, आग अगर नंगे रहे तो सीधे जेल पहुंच जाएंगे, ये मजबूरी अलग है, आज का समाज अलग है, आज के समाज के युग परिवर्तन अलग है, चिंतन अलग है, विचारधारा अलग है। और जिसने भी धर्म चलाया उस धर्म के अनुयायियों ने उसी धर्म का खंडन किया, जहां धर्म है वहां तो फॉलोअर्स से अनुयायी है, अनुयायी तो भीड़ होती है, और भीड़ की कोई चेतना नहीं होती, भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती, भीड़ तो मौत एकदम उस मुल्क के सामने खड़ी हो जाती है और इनकलाब जिंदाबाद आवाज लगाता है, 4 आदमी और आवाज लगाएंगे, 100 आदमी आवाज लगाने, आग लगा दो, नाथिस को आग लगा देते, उनको ये मालूम नहीं मैं आग क्यों लगा रहा हूं, मेरी क्या दुश्मनी मिल से, उसको कुछ ध्यान नहीं है। मौत में भीड़ में एक
एक चीज बन जाती है। वो अकेले व्यक्ति को कहे तुम आग लगाओ तो सवा सोचेगा, इसलिए अनुयायी कुछ सोचता नहीं, अनुयायी के पास कोई दृष्टि नहीं होती, कोई चिंतन नहीं होता, मगर शिष्य अपने आप में अकेला एक इकाई होता है। इस प्रकार से गुरु अपने आप में एक संपूर्णता है, उस प्रकार शिष्य भी अपने आप में संपूर्णता है, और यही गुरु और शिष्य का सीधा संबंध है। यह एक अलग बात है कि वो मैंने जो सात द्वार आपको बताया, सात चक्र जागृत किए, ये दक्षिणायन पद्धति है। वाम पद्धति में मूलाधार से नीचे भी सात चक्र है जिसको तांत्रिक साधना के माध्यम से प्रशोधित किए जाते हैं। वो ऊर्ध्वरेखा साधना भी है जिसमें पूर्ण शरीर के अगर पूरे वीर को निचोड़ जाए तो पूरा किलो भर वीर निकल जाता है और पूरा वापस सिंचन कर दिया जाता है। वह तो एक तांत्रिक साधना है, वो एक अलग पद्धति है। इसने प्रश्न किया था मुझे कि क्या जो तांत्रिक अठियोग ग्रंथों में और जो गोरखनाथ के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये सात चक्र ऊपर उठने के हैं, क्या मूलाधार से नीचे के भी सात चक्र है? मगर वो तांत्रिक पद्धति है, वो तांत्रिक क्रिया है। इन सात चक्रों के माध्यम से मैंने आपको सुबह बताया, ये अपने आप में जीवन के निचोड़ है। मगर मैं बात कर रहा था आपको मारकंडे की, और बात कर रहा था गुरु शिष्य की, बात कर रहा था गुरु को पहचानने की शक्ति की, और बात कर रहा था अपने आप को शिष्य सिद्ध करने की। क्योंकि शिष्य तो तब बन सकेगा जब अपने आप में पूर्णता होगी, जब उसकी आंख में दृष्टि होगी, एक चेतना होगी, अपने आप में समर्पण होने की क्रिया होगी। आज ओडे को समर्पण कहेंगे, आप मेरे सामने लंबे लेट जाएंगे उसको समर्पण कहेंगे, और आप अर्थ ये समझाए। समर्पण का मतलब है समर्पण, दोनों इक्वलिटी है। गुरु और शिष्य बराबर एक लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं तब अपने आप को अर्पण करते हैं, तब गुरु का सुख उसका सुख हो जाता है, गुरु का दुख उसका दुख हो जाता है, गुरु की वेदना उसकी वेदना हो जाती है, गुरु का चिंतन उसका चिंतन हो जाता है, गुरु धूप में खड़ा रहता है तो उसको गर्मी महसूस होने लग जाती है। उस लेवल पे आता है तब अपने आप में समर्पण होता है, बराबर की इक्वलिटी में समर्पण होता है। आज सिन्हा जी ने मुझे पूछा था देवर को यहां जो आए, उनका मैं समर्पित होना चाहता हूं, तुम समर्पित हो? समर्पण का मतलब है तुम उस जगह पहले खड़े हो जहां पर मैं खड़ा हूं, उस लेवल पर बाह्य आकार में मूलाधार के चक्र में, जहां आप मेरे सुख और मेरे दुख और मेरी गर्मी और मेरी सर्दी और मेरे चिंतन और मेरे विचार के अनुरूप बनने की क्रिया करें। जब ऐसी क्रिया हो जाएगी तो अपने आप में अर्पण हो जाएगा, उसके लिए कोई मूर्त की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई भावना की जरूरत भी नहीं है। मगर क्या समर्पण के लिए और कोई तरीका है? ऐसा तो कम हो सकेगा, गुरु तक पहुंचने की क्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु का तो प्रत्येक कार्य अपने आप में नवीनता लिए हुए। यदि गुरु आप अगर कह रहे हैं कि गुरु अपने आप में पहले वाले गुरु की सादृश्यता बन नहीं सकती, ईसा मसीह जैसा वापस ईसा मसीह पैदा नहीं हो सकता, बुद्ध जैसा वापस बुद्ध पैदा नहीं हो सकता, आज अगर बुद्ध भी वापस पैदा होना चाहे तो ठीक उसी प्रकार से बुद्ध पैदा नहीं हो पाएंगे, उसी प्रकार से ज्ञान नहीं दे पाएंगे, उसी तरीके से अपने जीवन को साथियों को शिष्य को नहीं समझा पाएंगे, उनके लिए बिल्कुल एक नवीन पद्धति लेनी पड़ेगी, उनके लिए नवीन चिंतन लेना पड़ेगा। इसलिए जिस युग में गुरु हुए और गुरु 5, 10, 15, 20 ही हुए, पिछले 20,000 वर्षों में 1,000 से गुरु नहीं बने, 1,000 तो पाखंडी बने, ढोंगी बने, साधु बने, सन्यासी बने, योगी बने, ये तो बने, गुरु नहीं बन पाए। गुरु तो शंकराचार्य बने जिनका एक अलग पद्धति रही, अलग चिंतन रहा। गुरु गोरखनाथ बने जिनका एक उस शंकराचार्य के सादृश्य तो नहीं, अपना एक नवीन पथ निकाला, जो अपने नवीन तरीके से विरोध करने की क्षमता पैदा कर सके, जो प्रहार कर सके, जिसमें प्रहार करने की ताकत हो वह गुरु बन सकता है। जो आप पर एकदम से समझा सके, आप पर चोट कर सके, आपके अंदर जो पाखंड है, जो शास्त्रों में भर दिया है, वेदों में भर दिया है, उपनिषदों में भर दिया है, पुराणों में भर दिया है, उस पर पूरा प्रहार कर सके, आपका मस्तिष्क के जाले को साफ कर सके, दिमाग को स्पष्ट बना सके, आपके जीवन के चिंतन को बदल सके, आपकी धारणाओं को बदल सके। और इसीलिए मैंने कहा कि सन्यासी गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो गृहस्थ में तो अगर दीक्षा देने का सदा सुखी रहो या चिरायु हो, और सन्यासी आशीर्वाद देता है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जा, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जा कि जो कुछ आज तक तेरा जीवन जैसा रहा है उसको समाप्त कर, अच्छा बुरा, आज से तुम बिल्कुल मेरे साथ नवीन चिंतन है, आज से नया शिष्य है, आज तुम पुराने वाला शिष्य नहीं रहा, आज मैंने नया आयाम दिया, आज मैंने तुम्हें नया नाम दिया, आज तुम्हें नई विचार पद्धति दी, आज तुम मेरा एक अंग बना, मेरे प्राणों की चेतना बनी, धड़कन बनी, इसलिए आज
तो बिल्कुल एक उस मृत्यु को प्राप्त होकर के नवीन जीवन का प्रारंभ बना। मृत्यु ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Oh.